इंडियन टाइम्स डेली में आपका फिर से स्वागत है और भारत के मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गांव में रहने वाले गरीबों के लिए 4 करोड़ मुफ्त इलेक्ट्रिक कनेक्शंस की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने घोषित किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई बिना समझौते की है और भ्रष्टाचार में शामिल लोग बच नहीं सकते। उन्होंने चीन के साथ डोकलम सैन्य गतिरोध संभालने की सराहना भी की। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के बारे में झूठ फैलाने के लिए एक घायल फिलिस्तीनी लड़की की तस्वीर का शोषण किया है और आतंकवाद फैलाने में इस्लामाबाद की भूमिका से ध्यान हटाने की कोशिश की है। भारत के फर्स्ट सेक्रेटरी ने यूएन मिशन में एक युवा कश्मीरी सैनिक की तस्वीर दिखाई जिसमें पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादी उसे टॉर्चर करके उसकी हत्या कर रहे थे। देश के सबसे बड़े कर्जदाता SBI ने बचत खाते में मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस को 5,000 रुपए से घटाकर 3,000 रुपए कर दिया है और इसे मेंटेन न करने पर लगाए जाने वाले जुर्माने में भी संशोधन किया है। संशोधित आवश्यक MAB और शुल्क अक्टूबर महीने से लागू होंगे। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि पिछले साल LOC के पार की गई सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए एक मैसेज था और उन्होंने जरूरत पड़ने पर ऐसी कार्रवाई दोबारा करने का संकेत भी दिया है। रावत ने कहा कि आतंकवादियों का आना जारी रहेगा और भारतीय सैनिक उनका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पर जमकर बरसे और कहा कि ASL मैक्सिस केस में उन पर और उनके बेटे कार्ती के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठ और अनुमानों का एक पुलिंदा है और ये कार्रवाई उन्हें डराने और उनकी आवाज़ दबाने के लिए की गई है। कार्ती की 1.16 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय ने पार्टी छोड़ने के फैसले की घोषणा की जिसके लिए उन्हें 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। रॉय कभी पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के दाएं हाथ थे। BJP के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने माना कि अर्थव्यवस्था में कुछ समस्याएं आई हैं। हालांकि उन्होंने आश्वस्त किया कि PM नरेंद्र मोदी की सरकार युद्ध स्तर पर उनमें सुधार ला रही है। तमिलनाडु सरकार ने दिवंगत चीफ मिनिस्टर जयललिता की मौत की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज A.अरुमुगास्वामी की अध्यक्षता में एक जांच आयोग की स्थापना की है। उनकी मौत के पीछे कुछ बेईमानी की बात की जा रही है। आलोचकों ने अब जेल में बंद BK शशिकला पर उंगली उठाना शुरू कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने PP लाइफ के सह निदेशक महमूद फारूकी को बलात्कार के मामले में बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया है। फारूकी पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी की 35 वर्षीय एक महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप था जो भारत में डॉक्टरल थीसिस पर रिसर्च करने के लिए आई थी। बॉलीवुड के चहेते रोमांटिक हीरो शाहरुख खान ने मुंबई में वोग वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स में भाग लिया और कहा कि उनके जीवन में सभी महिलाएं महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने इस पुरस्कार के मिलने पर बेहद संतोष जताया। हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों, हम कनाडा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।